पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है। उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं, तो कभी FATF में गृह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। दुबे जी, ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में, तमाम लोगों को नजर आ रहा है, बल्कि मुबस्सिरीन मान रहे हैं इस बात को, भारत कश्मीर में किस तरह जुल्म कर रहे हैं, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते? मुझे बड़ा दुख होता है कि जो भारतीय सहाफ़ी हैं, भारत में जो जिनका कलम लोग जिनको सुनते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनके पास ताकत है कलम की, जिनके पास आवाज़ है, बोलने की ताकत है, वो क्यों एहसास नहीं दिलवाती अपनी गवर्नमेंट को, आप लोग अपनी सरकार को क्यों एहसास नहीं दिलवाते कि कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए? कश्मीर तो कश्मीर, आप देखें भारत में कितना जुल्म हो रहा है, किसानों वाला मामला आपके सामने है, तो लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या देता है लोगों को, क्या आवाज नहीं उठा सकते? देखिए, झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश चार पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को, खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। POK के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, POK में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। POK की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की, भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए, कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को के आकर पाकिस्तान के हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है, आप मुझे जवाब दीजिए। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश है आप। देश प्रेम के नाम पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। जाहिर सी बात है, किसी भी देश के संभ्रांत नागरिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को देश के नाम पर आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साफी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है? इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई है? भारत की विदेश नीति दो पंक्तियों में स्पष्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामाया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग्भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। बावजूद इसके, इस भारतीय विदेश नीति के होने के बावजूद पाकिस्तान को ऐतराज है, पाकिस्तान का बैर समझ के परे है, ऐसा आखिर क्यों है भाई? पाकिस्तानी मीडिया सरकारी इशारे पर भारत के किसान आंदोलन की खबरों में मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने परोसता है, और इमरान समर्थक भूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है भारत में। ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। सांस ले लें आप, आपकी सांस ना बंद हो जाए। आप बताइए पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, पानी पीने की आवश्यकता नहीं है अभी, और जब पानी पीने की आवश्यकता होगी तो भारत में तो बहुत पानी है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने सुना है कि काफी टैंकर वगैरह, भारत में पानी बहुत है, टॉयलेट नहीं है। ये पाकिस्तानी आवाम को टैंकर भी नहीं मिलते पानी के, बड़ी मुश्किल है भारत में, पानी बहुत है, टॉयलेट्स नहीं है।
पाकिस्तान में किसान आंदोलन नहीं हुए क्या? अभी कुछ हाल ही में किसान आंदोलन हुए हैं, ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, क्या पाकिस्तान में? अरे आपके किसानों का मामला तो दुनिया भर में हाईलाइट हो गया, पूरी दुनिया बेचारी परेशान होके बैठ गई है किसानों के लिए, बेचारे किसानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है? आपके यहाँ मामला दर्ज हुआ है, पाकिस्तान में कौन सा किसानों का इशू, कौन सा आपने पढ़ लिया कहीं पे, कहाँ पर आपने देख लिया? 184 किसानों के इशू को आप भारत के मीडिया को टारगेट करते हैं, उसे सरकारी प्रवक्ता बताती है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने वादी की जो हैसियत है वो तब्दील कर दी, वादी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेल में तब्दील कर दिया। अब बैनुल कौमी मुबसरीन भी मानते हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है और गैर कानूनी इकदाम से अपने लिए सिर्फ नफरत खरीद रहे हैं। ये बात भारत और भारत के इंतहा पसंद चीमा साहब कब समझेंगे? जब तक मुसलमानों को दबाते रहेंगे तो इनकी हुकूमत रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात और हिंदू मुस्लिम तकसीम की हुई है, और जो उनका अगला प्रोपेगेंडा है वो ये है कि हिंदू सिख तकसीम हो ताकि वो सारे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर सकें। उनको ये तो मैं समझता हूँ खौफ है, ये अस वर्सेस देम की तकसीम पैदा की जा रही है। जितना हिंदुओं को मुसलमानों से अलहदा रखोगे उतना बीजेपी की सियासत चलेगी, उतना नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा सरकार बनाएंगे। और ये 20-25 साल का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में एक ही चीज है, जितना तकसीम कर सकते हो करो और सियासत करो। ठीक है जी, कर्नल साहब से जरा जवाब ले लूं ना? ठीक है कर्नल साहब, मेरे ख्याल से तमाम पॉइंट्स का जवाब देने के लिए आप भी बड़े बेताब बेचैन होंगे जी, बताइएगा क्या कहते हैं, आपके पास क्या जवाब है? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तानियों के पास खुद भी इस चीज का जवाब नहीं है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा ना करे फिजा खान, और फिजा खान पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के साथ टाकरा करे। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात करे और आम लोगों को बताए, इमरान खान से सवाल पूछे कि दरिंदे हमारे मुल्क में ये क्या दरिंदगी हो रही है, इसको काबू क्यों नहीं करता। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जाएगी और पूछेगी कि वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं है। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो मकबूजा कश्मीर में, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आप कहां मुझे वहां पहुंचा रहे? नरेंद्र मोदी साहब तो वहां साहबियों को जाने नहीं देते हैं, अपने मनपसंद लोगों को रसाई मिलती है। मेरी बात सुनिए, वहां कौन जाएगा मुझे जरा बताइएगा, जहां इतना आप लोगों ने कब्जा किया है कश्मीर पर, मैं उस दिन फिजा खान को अपनी लाखों की फौज वहां भेजी हुई है, फिर भी उनके जज्बे को नहीं दबा सकते आप लोग? एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट, आप रुक जाए जरा, कहने साहब मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, एक सवाल है कहने साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। चीमा साहब ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में डॉक्टर फिजा अकबर खान चली जाए, नरेंद्र मोदी तो वहां पे किसी ऐसे बंदे को जाने नहीं देता जो जाके हकायक पे मबनी कोई रिपोर्ट बना सके, लोगों को दिखा सके, इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। वहां पे मनपसंद सहाफी जाएंगे, वहां पे नरेंद्र मोदी के पालतू सहाफी जाएंगे, वहां पे सिर्फ वो जाएगा जो एक अच्छा चेहरा दिखाए। ईयू डिसइन्फो लैब की जो रिपोर्ट है कर्नल दलवार सिंह, इनको पढ़ लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या आपकी जो राह है, आपकी जो आरएसएस है, ये क्या गुल खिला रही है। अभी तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके झूठ फ्रेब दो नंबरियां ये सारी पकड़ ली हैं, अभी फिर भी आप ये कहते हैं कि नहीं ये प्रोपोगंडा है, अभी प्रोपोगंडा आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको मौका मिले तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच की और एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल की, यूनाइटेड नेशन की, इनकी रिपोर्टें पढ़ लिया करें, कम से कम आपके नॉलेज में कुछ इजाफा ही हो जाए। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है, अभी वो सब अच्छे वाला दौर गुजर गया है, आपके जो चेहरे पे नकाब था वो उतर चुका है जी। दुबे जी, जी कैसे सब अच्छे दुबे जी, बतौर सहाफी कैसा फील होता है? जनाब जिस ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते कि ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। ईयू कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, ईयू आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई, आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे,
कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की जिसका कोई आधार ही नहीं है, और आप सलाह दे रहे हैं रिपोर्ट पढ़ने की। पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है, उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं तो कभी FATF में ग्रह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा, यह कहानी किसी से छुपी नहीं बची। अब अच्छी बात यह है कि इमरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अकल आ गई, जो उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में गलत छवि बन रही है और उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि उनकी मानेगा कौन। इमरान को IMF के दरवाजे पर खड़े होकर कर्ज मांगने में थोड़ी भी खुददारी क्यों महसूस नहीं होती। पाकिस्तान इस्लामिक देश है और इस्लाम में आप ही बता दीजिए क्या कर्ज लिया जाता है ब्याज पर।